अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट है SST चैप्टर नंबर 5 और हमारे सबक का नाम है वेदर। सब्जेक्ट है SST चैप्टर नंबर 5 और हमारे सब्जेक्ट का नाम है वेदर। सबसे पहले हम वेदर की बुक से रीडिंग करेंगे। सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन, द कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर ड्यूरिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड वेदर। किसी एक मखसूस जगह पर मौसम की ऐसी खास हालत को वेदर कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर, वेदर की मुख्तलिफ इकसाम हैं। सबसे पहले सनी, विंडी, क्लाउडी, स्नोई, फोगी, रेनी, स्ट्रॉमी और लास्ट है मिस्टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सनी के बारे में। ड्यूरिंग दिस वेदर द स्काई इज क्लियर, इन समर इट इज़ वेरी हॉट। इन समर इट इज़ वेरी हॉट, मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा गर्म तरीन होता है। इन विंटर और मौसम सरमा में पीपल इन्जॉय दिस वेदर। जब मौसम गर्मा होता है और धूप तेज़ धूप निकली होती है तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ही ज़्यादा शदीद हरारत होती है, सूरज की शुआएँ बहुत तेज़ होती हैं। और यही मौसम अगर यही वेदर ठंड में मौसम सरमा में आता है तो लोग इस वेदर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है इन विंटर पीपल इन्जॉय दिस वेदर। उसके बाद है विंडी, ड्यूरिंग दिस वेदर विंड ब्लोज, हवा बहुत तेज़ चलती है। विंड कैन ब्लोज एट हाइट स्पीड, हवा थोड़ी हल्की भी चलती है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी चलती है। ट्रीज एंड रोड साइन में आल्सो फॉल, ट्रीज दरख्त और जो रोड साइन रोड पर पड़े होते हैं रखे होते हैं उन्होंने वो भी गिर जाते हैं। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग विंडी वेदर, हमें विंडी वेदर के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है क्लाउडी, ड्यूरिंग दिस वेदर स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड्स, इस दौरान इस वेदर के दौरान बादल पूरे कवर्ड हो जाते हैं आसमान पर। ड्यूरिंग समर पीपल इन्जॉय क्लाउडी वेदर, जब मौसम गर्मा होता है तो लोग इस मौसम को इस वेदर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। उसके बाद है स्नोई, ड्यूरिंग दिस वेदर स्नो फॉल फ्रॉम द स्काई, दिस वेदर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर, स्नो फॉल्स ऑन द हाई माउंटेन। बहुत ज़्यादा स्नो होती है उन इलाकों में जहाँ जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ठंड का जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बर्फ़बारी होती है, और इसके अलावा ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होती है जैसे मरी, सवात, इस तरह के जगहों पर। उसके बाद है फोगी, ड्यूरिंग दिस वेदर थिक क्लाउड्स कम क्लोज टू द ग्राउंड, फोगी सीजन और स्नोई वेदर थोड़े मिलते जुलते ही हैं। इट ओनली हैपन्स ड्यूरिंग विंटर, विंटर ये मौसम सरमा में ही आता है। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इन फॉग, फॉग के दौरान देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर चीज़ कवर हो जाती है धुंध की वजह से, कुछ भी नज़र नहीं आता। जब ज़्यादा फॉग होती है तो बहुत बड़ी बड़ी सड़कें रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान ज़्यादा हादसा हो सकते हैं हमें, क्योंकि हमें फॉग की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए ड्राइवर्स मस्ट बी वेरी केयरफुल, तो जो लोग ड्राइव करते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि वो एहतियात से ड्राइविंग करें, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। उसके बाद है रेनी, ड्यूरिंग दिस वेदर वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई, रेन बारिश को कहते हैं और रेनी वेदर सबका फेवरेट है, आप सबको पता है ये बारिश होती है। वेदर वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से पानी गिरता है। द वेदर कैन ड्रॉप्स, कतरे गिरते हैं। दिस वेदर कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग एनी सीजन, ये वेदर किसी भी मौसम में आ सकता है। हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़े थे सीजन, समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर, और वो कह रहे हैं इन चारों सीजन में बारिश का जो मौसम है वो कभी भी आ सकता है। इन समर इट इज़ वेरी फन टू प्ले इन रेन, मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लोग वैसे ही गर्म हरारत और तपिश की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो जब ये मौसम रेनी स्टार्ट होता है तो लोग इस वेदर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बच्चे इसमें बारिश में खेलते हैं।
उसके बाद है अगला है स्ट्रॉमी, ड्यूरिंग दिस वेदर देयर इज थंडर एंड लाइटिंग इन द स्काई, इस वेदर में बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है आसमान पर और बहुत ही ज़्यादा तूफानी बारिश वाला माहौल बन जाता है। मिस्टी ड्यूरिंग दिस वेदर थिक क्लाउड्स राइज फ्रॉम वाटर, इट हैपन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन इट इज कूल्ड, हर चीज़ को छुप जाती है, कुछ भी नज़र नहीं आता, ज़मीन से पानी के बुखारात बादल पर जाते हैं और फिर वो थिक क्लाउड्स राइज फ्रॉम वाटर और वो पानी की शक्ल में नीचे बहते हैं। इट हैपन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन इट इज कूल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये थे हमारे चैप्टर से रीडिंग वेदर की। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है इसका डिफाइन वेदर, वो कह रहे हैं वेदर के बारे में बताना है, वेदर किसे कहते हैं। डिफाइन वेदर of time in particular place is called question number 2 है हमारा name 3 kinds of weather condition विंडी और लास्ट पर क्लाउडी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विच ड्यूरिंग विच सीजन स्नो फॉल्स फ्रॉम द स्काई, किस मौसम में स्नो फॉलिंग होती है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग विच सीजन मिस्टी वेदर कैन बी हैपन। मिस्टी वेदर किस सीजन में आता है? क्वेश्चन नंबर है 4। ड्यूरिंग season।